सदियों से मानव अपने मन की स्थिति को बदलने के लिए कई पदार्थों का उपयोग कर रहा है, जैसे कैफीन, सिगरेट्स, अल्कोहल और बहुत सारे एक्सट्रीम ड्रग्स भी। मैं हूं फैक्ट सिंह एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैरिजुआना हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा ब्रेन काम कैसे करता है। हमारे न्यूरॉन सेल्स करते हैं इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस हमारे ब्रेन के लिए बाय रिलीजिंग केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर, जो जाता है एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक। इसीलिए ये बदलते रहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इन न्यूरॉन्स। ये सुनने में आसान लग रहा होगा, पर ये सिग्नल एक साथ काम करते हैं और ये सारा इफेक्ट हमारे ब्रेन के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में इकट्ठा हो जाता है इन मिलीसेकंड्स। एंड ये होता है हर बार जब आप सोचते हो, सांस लेते हो या चलते हो। सो आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है जब आप मैरिजुआना का सेवन करते हो? वेल, अनलाइक अल्कोहल जिसके मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के बिल्कुल विपरीत होते हैं, कैनबिस यानी भांग में ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होते हैं, जिन्हें हम कैनबिनाइड्स कहते हैं। हालांकि नेचुरली ये कैनबिनाइड्स बहुत कम मात्रा में प्रस्थित होते हैं, बट हम जब धूम्रपान यानी स्मोक करते हैं तो इनकी मात्रा एकदम से बढ़ जाती है, और विशेष रूप से जब केमिकल टेट्राहाइड्रोकैनिबल का सेवन हो। THC एक नेचुरल ट्रांसमीटर से मिलता जुलता है जिसे एनंडामाइड कहते हैं। ये कैनबिनाइड्स विशेष न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो न्यूरॉन्स द्वारा हमारे ब्रेन में फायर करते हैं। न्यूरॉन्स टेम्परेरीली अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं फायरिंग के दौरान, ताकि उन्हें ओवर रिएक्शन और बहुत डोमिनेंट होने से रोका जा सके, ताकि हमारा ब्रेन काम कर सके शांत और नियंत्रित तरीके से। लेकिन कैनबिनाइड्स डाल देते हैं बाधा हमारे ब्रेन के कुछ हिस्सों में, एंड ये पहले से एक्टिव न्यूरॉन्स के रिफैक्टरी पीरियड को हटा देते हैं, और आपके विचारों की कल्पना और धारणा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। इसका मतलब ये है कि एक बार जब आप अपने थॉट्स की ट्रेन को शुरू कर देंगे तो ये तब की सबसे महत्वपूर्ण और गहरी बात बन जाती है। आप बिग पिक्चर को रियलाइज नहीं कर पाते हो और आखिरी फीलिंग भी याद नहीं रहती, क्योंकि आप एक विशेष विचार में फंस गए होते हो एंड आपके न्यूरॉन्स फायर करते रहते हैं जब तक एक नया आइडिया जगह नहीं लेता आपके ब्रेन में और आप एक नई स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट पर जाते हैं। ये कैनबिनाइड्स हमारे ब्रेन के डोपामाइन एंड नोरापाइनफ्रिन के लेवल्स को इफेक्ट करता है। अक्सर उत्साह, आराम, पेन मॉड्यूलेशन और एक अनुभव के समय वृद्धि की भावना की ओर आग्रहण करता है, और कभी कभी चिंता का कारण भी बन जाता है। इसके अलावा कैनबिनाइड रिसेप्टर कंट्रोल करते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लर्निंग, कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट कंट्रोल एंड हायर कॉग्निटिव फंक्शंस। एंड अगर आपके दिमाग में अब कोई सवाल है तो कमेंट्स या फेसबुक पर आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब टू फैक्ट्स विद वीर जी, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।